इन्होंने आर्मी ऑफिसर से बात किया और उन्होंने क्या बोला आप खुद इनके मुंह से सुनो। पाकिस्तानियों ने जो बंकर बनाया था रहने के लिए वहाँ पे अभी हमारे देश के जवान रहते हैं। अभी मैं आया हूँ, गजब का चीज है भाई साहब, मतलब देख के अंदर से ना आपको एकदम गूज बम्स आ जाएंगे। ये देखो, ये है सियोक वॉर मेमोरियल और ये सब जगह मतलब पाकिस्तानियों ने ले लिया था, फिर हमारे सोल्जर ने लड़ के लिया हुआ है। ये देखो अभी ये इंडिया में है, गजब का है भाई साहब। भाई साहब बर्फ में बर्फ के कपड़े हैं ये सारे, लिटरली देख के ना गूज बम्स आ जाएंगे, गूज बम्स। ये देखो सियोक वॉर मेमोरियल, सियाचिन वॉर मेमोरियल भी बोल सकते हो। यहाँ पे अपना बाइक, वहाँ पे पार्क है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आपको दिखाता हूँ इसके अंदर में कैसे कैसे जाना है, क्या क्या है। एक्चुअली अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ से होते हुए स्नो स्कूटर, उसके बाद ये वॉर मेमोरियल, सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है। अच्छा ओके, फिर माउंटेन ट्रेल्स है यहाँ पर ख़त्म, फिर आना है, फिर यहाँ से आप रॉक क्राफ्ट एरिया, फिर यहाँ सिवक व्यू पॉइंट। अच्छा यहाँ पे फाइटिंग बंकर है, यहाँ पे फाइट हुआ था, तो बंकर जो बना था वो सब बंकर है। ओके, लिविंग हट कॉन्वीनियंस, बाकी आप देख लो। सो चलता हूँ, आपको हर एक चीज़ बारीकी से दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ। जैन सर। सो गाइस, यहाँ पे आके ये मालूम चला कि 1999 में जो वॉर हुआ था उसमें ये सब मिला। 1999 से पहले ये पाकिस्तान के कब्जे में। अच्छा, था। 99 कारगिल युद्ध जो हुआ, कारगिल युद्ध के बाद भारत ने इसे अपने कब्जे में कर लिया वापस से। भारत के ही थे ये। हाँ, ये तो भारत के ही थे। तो अभी जो जानकारी ये मिली है वो हमारे आर्मी ऑफिसर थे, उनसे इन्होंने बात किया, बात करने के बाद ये जानकारी हम लोगों को मिली। देखो भाई गजब के हैं, लेकिन जो भी वो लोग गजब के हैं, घुसबम तो आ गए मेरे को देख के। यहाँ पे वॉर हुआ है, यहाँ पे कितनी गोलियाँ चली होंगी। देख रहे हो अभी हम वहाँ पे हैं, पूरा सियाचिन ही है। अच्छा, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है सियाचिन। ओके, पूरा सियाचिन है, हर एक पूरे पहाड़ पे बैठे हुए हैं आर्मी ऑफिसर अभी भी। हाँ अभी भी, ये ऊपर वाले ना नीचे वाले, ऊपर वाले सारे पहाड़ पूरा आर्मी ऑफिसर। तो हम लोग दिख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन है। देख रहे हो पहाड़, दिखाओ, ये वो पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर में हमारे जवान अभी भी बैठे हुए, हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो हमें देख पा रहे होंगे। उनके पास बाइनोकुलर होगा और वहाँ से तो डायरेक्ट नेकेड आई से भी दिख जाएगा, लेकिन छोटे छोटे दिखेंगे लेकिन दिख जाएगा। और ये ठंडी के टाइम में तो पूरा स्नो से कवर हो जाता होगा, पूरा बर्फ़ से कवर हो जाता होगा। उसको देख के मुझे लगा, सामने से दिखा था। अभी हमारे जो जवान है ऊपर में जो बैठे हुए हैं वो यही सूट पहन के बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये ओरिजिनल है कार, गाड़ी जो भी नाम होगा इसका, तो ये ओवरबोट है, ये ओरिजिनल है। अगर यहाँ पे पूरा जैसे बर्फ से ढक जाएगी तो फिर बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह थोड़ी चलेगी, ये सब चलने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी यही सूट पहन के हमारे आर्मी ऑफिसर इस पहाड़ों के ऊपर में बैठे हैं और इससे गर्मी भी नहीं होती। और वो जो झंडा पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, वो जो झंडा है वहाँ से आप सेल्फी ले सकते हो, पूरा गजब का आएगा। लेकिन वहाँ जाने और आने में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, तो हम लोग नहीं कर रहे। कुर्बानियाँ दी थी इस जगह को अपना बनाने के लिए, उनका लिस्ट है यहाँ पे। किस यूनिट के थे, किस रैंक के थे, क्या नाम था, सब कुछ है स्टेट में, सब कुछ है। ये वॉर मेमोरियल जो है ये दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया है, रिकंस्ट्रक्टेड बाई 11 डोगरास इन मेमोरी ऑफ ब्रेव हार्ट्स। सो गाइस, एक्चुअली इन्होंने आर्मी ऑफिसर से बात किया और उन्होंने क्या बोला आप खुद इनके मुंह से सुनो। ये बोला कि 40% लोग तो 40% ही लोग ही जानते होंगे, 30-40%, 60-70% तो जानते ही नहीं होंगे हमारे इन आर्मी ऑफिसर के बारे में कि वो क्या है, कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमें उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहिए, जय हिंद एक सलाम करके। यार बहुत लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, वो बता रहे थे कि बहुत लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, शहर के लाइफों से बिजी रहते हैं, शहर के लाइफ में वो इंजॉय करते हैं, इस साइड भी नहीं आते हैं। अगर जो लद्दाख वगैरह घूमने भी आते हैं ना, तो वो इस साइड नहीं आते हैं, मतलब बहुत कम लोग। उनको बोलना चाहिए जो टिप नहीं करते हैं। यार यहाँ पे पहले तुम आके देखो, देखो 4 दिन रहो इनके साथ, लाइफ क्या नहीं करना, लाइफ कैसा है यहाँ पता चले। जो न्यूज में बैठे बैठे कुछ भी बोल देते यार, ऐसे है वैसे है कुछ भी, आओ यहाँ बुद्धा है तो आओ, पहले आ तो जाओ। अरे भाई -3 डिग्री में वहाँ ऊपर -30 मैं तो 3 डिग्री से सो जाता हूँ।
और उस पहाड़े के ऊपर में बैठ के निगरानी कर रहे हैं। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता भाई यहाँ पे। चलते हैं बॉस, हम लोग यही पे इतना ठंड लग रहा है, राइनोस का जैकेट तक उड़ जा रहा है। तो सोचो इतना भारी जैकेट है, ये जैकेट तक उड़ जा रहा है। ये जगहों में ना जादू है, मैजिक है भाई। अभी यहाँ पे सर से बात किया, छपरा से थे मैं, गोपालगंज वो छपरा, अच्छा से भोजपुरी में हम लोग बात किए, बहुत मज़ा आया। वीडियो नहीं बना सकते थे क्योंकि देश का सेफ्टी है, ठीक है, नेशन पहले, उसकी वजह से वीडियो नहीं बनाया। नहीं तो बहुत मज़े से बात किए, बहुत बहुत कुछ बताएं, ऐसा ऐसा चीज़ बताएं जो हम लोग वीडियो में शेयर नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे आगे में पाकिस्तानियों ने जो बंकर बनाया था रहने के लिए, वहाँ पे अभी हमारे देश के जवान रहते हैं, हमारे देश के आर्मी, इंडियन आर्मी रहते हैं। उस बंकर में भाग गए थे पाकिस्तानी। सोच रहे हो, भारत माता की। चलो तो मेक श्योर, जब भी आप अगर लेह लद्दाख आते हो, मैं बहुत कम लोगों को यहाँ पे देखा हूँ, ठीक है, वही मनाली, मनाली मेरे को कोई भी जगह अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे आया ना, यहाँ पे आया तब जाके लग रहा है कि अपना आज दिन बन चुका है। सबसे बेस्ट ना खारदुंगला टॉप, मतलब ये जगह नहीं आया था तो खारदुंगला अच्छा लगता था, ठीक है। अभी खारदुंगला, पेंगोंग, ये सब फेल है इसके सामने भाई साहब। बहुत लोग, बड़े बड़े मोटो व्लॉगर लोग हैं हमारे देश में, इंडिया के, ये सब जगह कवर नहीं करते हैं। चिकन खाना है, ये सब खाना है, वही सब कवर करेंगे। इनकी लाइफ एक बार आके देखो भाई, महसूस करो, एक बार इनसे बात करो, कसम से बोल रहा हूँ, करंट आ जाएगी शरीर में, रूह काम जाएगी आपकी। जो ये बता रहे थे 6-6 महीना, 7-7 महीना उसके अंदर में, मतलब -50 डिग्री में ये रहते हैं भाई साहब। और इस पहाड़ के पीछे पूरा बर्फ ही है, बर्फ ही बर्फ है। अभी भी हमारे इंडियन आर्मी उस पर तैनात है, और यहाँ पे एक परिंदा पर नहीं मार सकता है। शरीर में देखो कितना जोश है। सियाचिन वॉर मेमोरियल का जो ये वीडियो है, इसको आप लोग इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि सारे लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो जवान है, जो आर्मी है, वो किस तरह रहते हैं, कैसे क्या हुआ था, सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारे देश के हर एक एक नागरिकों को मालूम होना चाहिए इस जगह के बारे में, कैसे क्या हुआ था वो सब मालूम होना चाहिए। तो प्लीज़ शेयर करना, मेरे से यही कोशिश रहेगी, हमारे देश के हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। जो हम लोग शहर में आराम से बेफिक्र रहते हैं क्योंकि ये जगह रहते हैं, उसके वजह से हम लोग सो पाते हैं ठीक से। एक बार इनकी लाइफ यार आके महसूस करो, आपको महसूस करने में मालूम चलेगा इनकी लाइफ कितनी हार्ड है। कसम से बोल रहा हूँ यार, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है सब कुछ।